बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे, इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जो है सुबह का टाइम तो खैर नहीं है, अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम है दोपहर का। तो अभी जो है नाश्ता किया है और खाना भी जो है अभी बन रहा है, स्पेशल सी बिरयानी बन रही है, बीफ बिरयानी, तो वो भी आपसे को चेक करवाएँगे। अभी मैं थोड़ा सा निकला हूँ, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं खूबसूरत सा मौसम है, प्यारा सा मंज़र है, और उसमें जो है आपका भाई आपके लिए वीडियो बना रहा है। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आप दोस्तों को पसंद आएगी, और मेरा जो ये सीरीज़ है तो ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आराम स्टे करेंगे, फिर सारे का सारा इलाका जो है वो आपको घुमाएँगे फिराएँगे। तो मेरे साथ रहिए, वीडियो देखते रहिए और भाई को दुआओं में याद रखें। तो ये देखें, अभी थोड़ा सा वॉक करते हैं। जी गाइस, आपका भाई बिल्कुल, मैं अभी इस टाइम जंगल में मौजूद हूँ और जंगल में निकल आया हूँ। तो आप देख सकते हैं जंगल का ये खूबसूरत सा एक मंज़र। तो अभी जो है खाने में टाइम है, बिरयानी मैंने आपको बताया है बन रही है, तो उसके लिए भी जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर टहलते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे वॉक करता हूँ और मौसम का एंजॉय भी लेते हैं और आपको भी एक्सप्लोर करवाते हैं, और आप भी देखिए मेरे साथ एंजॉय लेते रहिए। तो देखिए कितना खूबसूरत सा जंगल है, बिल्कुल हर तरफ घना सा जंगल है, ऊपर तक और इस साइड पे आप देख सकते हैं सारे के सारे दरख्त, और ये हरियाली बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही मज़ा दे रही है। तो अपना जो है जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, सफ़र स्टार्ट हो चुका है। जी गाइस, बिल्कुल मैं जंगल से आ गया हूँ अपने फ्लैट पे, और फ्लैट पे आप देख सकते हैं गर्मा गर्म बिरयानी और साथ में सलाद जो है वो दोनों बने हुए हैं। तो बिरयानी बहुत ही मज़ेदार लग रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करते हैं। जी गाइस, बिल्कुल जो है खाना बिल्कुल खा चुके हैं, बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, और यहाँ पे धूप और बारिश का पता ही नहीं चलता कब बादल आ जाते हैं। अभी धूप है, अभी 2 मिनट में जो है फिर बादल आ जाएंगे। मौसम ऐसे आप अभी चेक कर सकते हैं, ये जो है धूप है और बाकी जो है बादलों का सिलसिला है, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ बिल्कुल बच्चा पार्टी भी रेडी है और जाने के लिए, तो इंशाल्लाह इनको भी ले जाते हैं, कई अच्छी सी एक्टिविटी इनको भी कराते हैं। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बिल्कुल बारिश शुरू है, धूप भी है और साथ में बारिश भी शुरू है। तो मैंने आपको बताया जैसा कि ये मंज़र जो है आपको देखने को मिलेगा, धूप भी होगी और बारिश भी साथ साथ होगी। बिल्कुल अभी जो है मैं अच्छे से लोकेशन पे, खूबसूरत से लोकेशन पे जो है मौजूद हूँ। तकरीबन जिप लाइन मेरे 300 किलोमीटर इस साइड पर है, और बाकी जो है नज़ारे और ख़ूबसूरती जो है वो आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये सामने वाला भी कोई खूबसूरत सा कॉटेज है, और बाकी जो है आप चेक कर सकते हैं। तो जिप लाइन यहाँ से तकरीबन 200 मीटर्स की दूरी पर है, जहाँ पे जिप लाइन वगैरह सब कुछ होता रहता है, बिल्कुल शुगल मेले वगैरह लगते रहते हैं, जिप लाइन हो गया, इस तरह बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो खुली है, ओपन है, और जिसको हमारे बच्चे कर सकेंगे। हम तो नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे जो है वो काफ़ी एक्साइटेड है, तो देखते हैं कि करते हैं या नहीं। अभी से तो एक्साइटेड है, ये है बिल्कुल एक्साइटेड। एक्साइटेड हो, हाँ आप एक्साइटेड हो, फूल दिखाकर बता रही है, तो बिल्कुल मैं एक्साइटेड हूँ। तो चले चलते हैं आगे, और आगे भी देखते हैं। खूबसूरत
गाइस बिल्कुल, तो ज़िपलाइन में पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा ज़िपलाइन ही आपको दिखाया है और कुछ एक्टिविटी अभी तक मैं आपको दिखा नहीं सका। और अभी कोशिश करता हूं कि थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी हो रही है, लेकिन मसला यहां पर ये है कि फैमिलीज डे है और ये यहां पे फैमिली के बग़ैर छोड़ते भी नहीं है, तो इस वजह से जो है सारी फैमिलीज है, तो फैमिलीज़ इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी रश कम होता है तो मैं सारी जगह आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। बाकी जो है नज़ारे आप देख सकते हैं, ये रास्ता भी बिल्कुल गया है ऊपर ज़िपलाइन को, और ये रास्ता भी बिल्कुल जा रहा है, और ऊपर भी लोग सारे एक्टिविटी करने में मसरूफ़ है, तो हम भी कोशिश जल्द ही करते हैं कि जल्दी जो है अभी रश थोड़ा सा कम होता है तो मैं आपको सही से एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कैंपिंग आ जाती है, आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। हाँ, ये कैंपिंग स्पॉट भी बना हुआ है, बारिश के दौरान आप यहाँ पे आके छुप सकते हैं कुछ देर के लिए, यहाँ के मज़े भी ले सकते हैं।